उत्तराखंड पुलिस आए दिन सुर्खियों में नजर आती है। एक ऐसा ही कारनामा उत्तराखंड पुलिस का फिर सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मामला भी ऐसा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ बॉर्डर पर कोरोना वायरस के चलते पुलिस ने सख्ती बढ़ाई गई है, तो वहीं चोर रास्तों से आ रहे लोगों के वाहनों से राजस्व वसूल कर उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया जा रहा है, जिससे साफ सिद्ध होता है कि पुलिस को राजस्व से मतलब है। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लापरवाही बरतने से पीछे नहीं है। जो है साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कोई ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री लेके आ रहा है, खासतौर पे जो पैदल लोग आ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र और ऐसे रेड जोन हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, उन्हें सीधे हॉस्पिटल भेजा जाए और उन्हें क्वारंटाइन करते उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं और उसका परीक्षण किया जा रहा है। हमने चोर रास्तों पे भी काफ़ी ड्यूटी लगा रखी है, जबकि उन्हें बिल्कुल बंद करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चोर रास्तों पे ड्यूटी लगा के हम लोग जो भी यूपी या दूसरे रास्तों से आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए।